अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग माने होता है छोटे से बड़ा। और इसकी ट्रिक ये है, ट्रिक बताने जा रहे हैं, ट्रिक ये है कि सबसे पहले नीचे वाले नंबर देखिए, क्या नीचे वाले नंबर सेम है? सारे नंबर सेम है, तो आप नीचे वाले सारे नंबर को छुपा लिए, छुपा लिया आपने। अब देखिए ऊपर सबसे छोटा नंबर कौन है? थ्री। उससे बड़ा? इलेवन। उससे बड़ा? इलेवन। फिर 19 है, यानी कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? थ्री। क्या लिखेंगे? थ्री, क्योंकि असेंडिंग माने होता है सबसे पहले सबसे छोटा लिखो, थ्री लिखा। उससे बड़ा 11, उससे बड़ा 14, उससे बड़ा 19। अब जो है सबके नीचे 7 छुपा तो 7 लिख दिया, ये आंसर हो गया। ओके, क्लियर होगी। इसी तरह ये भी होगा, सबसे पहले नीचे वाला नंबर देखे सारे सेम है, हमने छुपा लिया, छुपा लिया। अब हमने देखा सबसे छोटा कौन है, इसमें 2, पहले 2 लिखा, फिर 5, फिर 9, फिर 14, सबके नीचे 11 लगा लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा है, यहाँ पे ऊपर वाले असेंडिंग में ही करना है, ऊपर वाले सेम है, नीचे वाले अलग हैं, इसमें उल्टा होता है। जब ऊपर वाले सेम है तो छुपा लो। अब नीचे वाले में देखो सबसे बड़ा जो होगा वही सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा क्या है? 15। तो 15 सबसे छोटा है, सबसे पहले उसी को लिखेंगे। उससे बड़ा, उससे छोटा कौन है? 11। फिर 11 को लिखेंगे। उससे छोटा कौन है? 9। उससे छोटा? 7। सब सबके ऊपर क्या छुपा हुआ है? 2 लगा दिया, ठीक है। क्लियर हो गया बात ये। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि सब ऊपर वाले सेम है तो नीचे वाला जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है, पूरा फ्रैक्शन। इसमें नीचे वाला सब सेम है, ऊपर वाला का नीचे वाला सेम होता है तो छुपा लेते हैं, जो छोटा वही छोटा। इसमें ऊपर वाला सेम है तो छुपा लिया, नीचे वाले में जो बड़ा सबसे वही सबसे छोटा, ठीक है। ये असेंडिंग होता है, और डिसेंडिंग इसका उल्टा होता है। इसमें क्या करते हैं? बड़े से छोटा। अब नीचे वाला सब सेम है तो सबसे बड़ा कौन है? थ्री। सबसे बड़ा 10 है तो सबसे बड़ा 10 लिखेंगे, फिर 9 वाला, फिर ठीक है। इसमें नीचे वाला सबसे सेम है, इसमें सबसे बड़ा कौन? 7। 7 फिर 6, 7 प्लस 6 फिर 5, 3 है ना, ऐसे लिखेंगे। इसमें ऊपर वाले सेम है, ऊपर वाले में क्या होता है? जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है ना, लेकिन हमें इसमें डिसेंडिंग में क्या करना होता है? सबसे छोटे से बड़ा, सबसे बड़े से छोटा लिखना है। तो ये जो सबसे बड़ा है 11, यही सबसे छोटा है, और ये सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि डिसेंडिंग में करना है। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 6। ये जो 6 है ये सबसे बड़ा है, ये वाला नंबर पहले उतारेंगे, 4/6 सबसे पहले उतारेंगे क्योंकि बड़े से छोटा। फिर इन दोनों का डिनोमीटर सेम है, न्यूमरेटर डिनोमीटर दोनों सेम है, 4/9 तो इसको ऐसे ही उतार लो, 4/9 उसके बाद सबसे छोटा ये 4/11 सबसे लास्ट में आया। इसका आंसर और इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। ओके, क्लियर हो गया बात।